पर हम आपको नर समीकरण पर, नरनेस्ट इक्वेशन पर हम ऐसे आपको न्यूमेरिकल समझाने जा रहे हैं फार्मूले पर, यानी ई ऑफ सेल ई एम एफ इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू बेस 10। ये आपका नर समीकरण है। इस नर समीकरण पर बच्चों हम आपको ये समझाने वाले हैं कि इन पर न्यूमेरिकल कैसे हल किया जाता है। तो मात्र यदि आप 20 से 25 मिनट समय देते हैं तो हम आपको बच्चों नर समीकरण पर न्यूमेरिकल कैसे हल किया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से भी आपको हम समझाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो वीडियो को पोस्ट नहीं करेंगे, वो वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, जिन्हें भी बोर्ड एग्जाम में नर समीकरण को न्यूमेरिकल हल करना है। चलिए ध्यान दीजिए, क्लास 12th केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, नर समीकरण पर न्यूमेरिकल कैसे हल करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट के मध्य विचार होता है कि सर जो नर समीकरण पर अगर न्यूमेरिकल हो उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन है, हम आपको इस क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, नष्ट समीकरण से रिलेटेड है। कह रहा है निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की गणना करें, ईएमएफ की गणना करें। अब जरा ध्यान दीजिए इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिए हैं। दिया है बच्चों जेडियन आवलिक जेडियन डबल प्लस। इसका मतलब यह है कि जो जिंक की क्षण है जेडियन SO4 के बिलियन में डिप किया गया है, यानी डुबोया गया है, और इसकी मोलारिटी जो है वो 1 m गिवन है, यानी 1 m दिया हुआ है। डबल आवलिक CU डबल प्लस आवलिक CU, यानी CU की क्षण को CU SO4 के बिलियन में डिप किया गया है। इनकी जो सांद्रता है 1 m है, यानी दोनों की जो सांद्रता है बच्चों कितना है 1 m, यानी जिनकी मोलारिटी का है, जबकि E0 जेडियन डबल प्लस आवलिक जेडियन। अब देखिए इसका जो वैल्यू है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना दे रखा है, -0.76 वोल्ट। ये जिंक का होता है, यही कापर का भी दिया हुआ है। कापर का कितना दिया है बच्चों E0 CU डबल प्लस आवलिक CU, इसका कितना दे रखा है 0.34 वोल्ट, राइट। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, अब इसमें हमें निकालना क्या है, ईएमएफ की गणना करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, आप नर समीकरण का जो फार्मूला है बच्चों ये जानते होंगे, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ई ऑफ सेल को आप ये भी लिख सकते हैं ईएमएफ, राइट। ई ऑफ सेल बराबर E0 सेल -0.059 अपॉन एन लॉग क्यू और बेस में 10, राइट। बच्चों ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, ये नर समीकरण का फार्मूला होता है। अब इसी के द्वारा ये जो बच्चों आपका न्यूमेरिकल है इसे हम लोग हल करेंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, सबसे पहले हम बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से इसे हल करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ई ऑफ सेल बराबर देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे कैसे, पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, E0 ऑफ सेल का वैल्यू निकालेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्यू का वैल्यू निकालेंगे, दोनों निकालने के बाद इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब चलिए बच्चों हम लोग पहले E0 सेल का वैल्यू निकालते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए E0 सेल का वैल्यू कैसे निकलेगा, E0 सेल का हम लोग वैल्यू निकालते कैसे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए E0 सेल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए E0 सेल बराबर क्या होता है, E0 सेल बराबर होता है E0 दाया माइनस E0 बाया, E0 दाया माइनस E0 बाया, या कैथोड माइनस एनोड, राइट। और एक चीज बच्चों आप ध्यान में रखना, जब भी हम लोग इसे मापते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के ही फॉर्म में मापेंगे, राइट। ज्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं सर एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होता है, तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं रख सकते जो आप RP लिखे हैं। बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप NCERT में देखेंगे सभी धातुओं के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए हैं, जितने भी मेटल्स हैं आप ECS श्रेणी में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सभी धातुओं के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए हैं
वो सब रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही निकाले गए हैं, राइट। सभी धातुओं के रिडक्शन पोटेंशियल की ही फॉर्म में निकाले जाते हैं, और किसके सापेक्ष निकाले गए हैं, मानक हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाले गए हैं, राइट। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये जो ये इनर्ट सेल जो वैल्यू होता है, बट अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे बच्चों आप रिडक्शन की फॉर्म में रखेंगे। अभी इस चीज को हम आपको समझा रहे हैं, देखिए चलिए निकालते हैं। इनर्ट सेल बराबर क्या होगा, इनर्ट सेल बराबर होता है इनर्ट दायां। अच्छा आप यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हैं जो सेल आरेख ये लिखा गया है, इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सेल आरेख। ये जो आप देख पा रहे हैं Zn डबल प्लस वन मोलारिटी डबल Cu डबल प्लस वन मोलारिटी कंसंट्रेशन वैल्यू है Cu, ये बच्चों सेल आरेख है। सेल आरेख में आप देखिए आपके राइट साइड क्या है, राइट साइड ये है Cu का है, और लेफ्ट साइड ये है, राइट। ये देखिए ये राइट साइड में है और बच्चों ये लेफ्ट साइड में है। जब ये राइट साइड में है तो ये क्या है, दाहिनी तरफ है कि नहीं बच्चों, ये दायां है, राइट, ये बायां है। ये चीज आप ध्यान में रखना। आप एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी लगा सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट ये कहते हैं सर हम इस अभिक्रिया को लिखेंगे और पता करें कौन एनोड है कौन कैथोड है, वहां से सर वहां से बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप सिंपली सेल आरेख यदि लिखा हो तो ये दायां और ये बायां, राइट, ये दायां देखेंगे और ये बायां, बात समझ में आ रही है। अब दायां में आप देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो दायां में है ये है Cu का है, तो यहाँ पर देखिए Cu है क्या, ए यहाँ पर दिया है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे इनर्ट Cu डबल प्लस Cu माइनस इनर्ट Zn डबल प्लस Zn। ये देखिए बच्चों हमने यहाँ पे जो भी लिखा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही दिखाया है। Cu देखिए, Cu अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cu में कन्वर्ट होगा, Zn इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Zn में कन्वर्ट होगा। अगर बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन की फॉर्म में होता तो यहाँ पर हम किस में दिखाते बच्चों, रिडक्शन की फॉर्म में दिखाते। ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलना है, राइट। चलिए आगे, अब देखिए बच्चों इसका जो इलेक्ट्रोड विभव जो मान दिया है कितना दिया है Cu का, Cu का मान होता है प्लस का 0.34 वोल्ट, माइनस Zn का होता है माइनस 0.76 वोल्ट, राइट। अब इन्हें आप पूरा जोड़ेंगे प्लस करेंगे, प्लस 0.34 वोल्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। आप इन्हें जोड़ दीजिए, 6 4 10 के जीरो हासिल लगा, 1 7 3 10 एक 11, दो अंक में बच्चों दशमलव लगा दीजिए, यानी 1.1 वोल्ट आया है। किसका, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। चलिए अच्छा एक चीज और, ये तो आपका इसका था ई नॉट सेल का, अब बच्चों हम लोग क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट। क्यू का देखिए बच्चों, जो क्यू है, क्यू जब आप थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ते हैं तो वहां पे ये समझाया जाता है। देखिए क्यू हम लोग लिखते कैसे हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, राइट, तब वहां पे ये समझ में आएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखना, जो सिंपली हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों आपको क्यू ना समझ में आए तो एक हम आपको सिंपली बता रहे हैं, क्यू बराबर आप ये समझिएगा एनोड बटा कैथोड। क्या करेंगे, एनोड बटा कैथोड। अब इसे आप कैसे समझेंगे, एनोड माइनस कैथोड। अब यहां पर देखिए एनोड क्या है, एनोड देखिए बच्चों, यहाँ बाया जो है वो एनोड हमने दिखाया है, तो बच्चों इसमें बाया कौन है, ये Zn वाला है, और दाया कौन है, ये देखिए कैथोड वाला, तो ऊपर हो जाएगा बाया, राइट, नीचे हो जाएगा बच्चों दाया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो बाया में यहां पर देखिए, बाया में क्या है, मोलारिटी 1 है, आप जरा ध्यान दीजिए, मोलारिटी क्या है, 1 है, राइट, बाया में क्या है, मोलारिटी 1 है। अब बच्चों अब नीचे क्या आएगा, दाया, दाया मोलारिटी क्या है, 1 है, यानी दोनों में 1 है। सिंपली जब भी आप नर्ट समीकरण से न्यूमेरिकल आप देखिएगा तो आप कुछ मत करिए, हम आपको सिंपल छोटे छोटे ट्रिक बता रहे हैं। ये देखिए क्यू आप क्या करेंगे, पहले आप बाएं वाले का मोलारिटी लिखेंगे बच्चों, फिर आप क्या करेंगे, दाहिने वाले की मोलारिटी लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए, हमें इनर्ट सेल का वैल्यू भी मालूम हो गया और क्यू का भी मान मालूम हो गया, अब इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, सवाल आपका हल हो जाएगा। ई ऑफ सेल बराबर इनर्ट ऑफ सेल माइनस
0.059 अपान, देखिए यन क्या है, यन क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी डेनियल जेल जब हमने बच्चों देखे, डेनियल सेल हमने सीयू और जडियन की क्षण से बनाया, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ऑलरेडी, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा, दो इलेक्ट्रॉन यानी प्लस टू का चार्ज का अंतर आ रहा है, तो एन का मान हम दो रख देंगे, राइट। और यहाँ पे ये देखिए इन आर सेल का भी वैल्यू बच्चों हम रखते हुए चलते हैं, तो यहाँ पे हम इन आर सेल का वैल्यू रख देते हैं, अभी यहीं पे रख दीजिए। और देखिए कितना इन आर सेल का वैल्यू आया है, 1.10, राइट, माइनस। और अब यहाँ लॉग का वैल्यू रख लीजिए, लॉग क्यू का वैल्यू 1/1, और बेस में 10 होता है, ये नट समीकरण में आप लगा लीजिएगा, बेस में 10 होगा, राइट। चलिए अब इसे हल करते हैं, 1.10 वोल्ट, अब इसे भाग दीजिए, माइनस, बच्चों ये क्या होगा, माइनस। अब जब आप इसे भाग देंगे, 0.0 दो दूनी चार, दोनों 18, उधर जाएगा 2 × 5 = 10, लॉग 1 भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 बेस 10, लॉग 1 बेस 10 का बच्चों वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 1.10 वोल्ट माइनस 0, ये कितना बच्चों निकल के आएगा, 1.10 वोल्ट। ये है बच्चों नट समीकरण पे आपका बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, ये आपका आंसर है। जो बच्चे नट समीकरण पे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, सर हम नट समीकरण का न्यूमेरिकल कैसे हल करेंगे, तो आपके लिए हम ये सिंपल दो तीन वीडियो हम इस पे दो तीन न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो बता दे रहे हैं, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। और यहां से आप समझ सकते हैं कैसे नट समीकरण पे न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, ये न्यूमेरिकल कैसे हल होता है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पर देखिए ये भी आपका नट समीकरण पर भी न्यूमेरिकल आधारित है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये सेल आरेख दिया है, एमजी आवलिक एमजी डबल प्लस, इसका मोलारिटी कितना दिया है, 0.001 मोलारिटी, डबल आवलिक सीयू डबल प्लस 0.001 मोलारिटी आवलिक सीयू है, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह धातु कितने दे रखे हैं, इन आठ एमजी डबल प्लस आवलिक एमजी बराबर -2.37 वोल्ट, इन आठ सीयू डबल प्लस आवलिक सीयू इक्वल टू यहाँ पर प्लस का 0.34 वोल्ट ईएमएफ। ईएमएफ की बच्चों हमें क्या करना है, गणना करना है। अच्छा हमने आपको नट समीकरण का एक फार्मूला अभी बताया, देखिए ई आप सेल बराबर, ये भी आप लिख सकते हैं ईएमएफ, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई नॉट सेल -0.059 अपान एन लॉग क्यू बेस 10। और हमने क्यू बता रखा है बच्चों, क्यू एनोड बटा कैथोड आप रख सकते हैं, ये आपका फार्मूला है, अभी हमने इसके बारे में बताया। चलिए अब एक एक वैल्यू को बच्चों हम लोग यहाँ पुटअप करते हैं, डायरेक्ट देखिए इसमें हम हल करके आपको दिखा रहे हैं, बहुत सिंपल है, आप तुरंत इसे हल कर पाएंगे। चलिए ई आप सेल यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई आप सेल बराबर देखिए क्या हो जाएगा, इन आठ सेल का पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं इन आठ सेल का, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर देखिए इन आठ सेल का वैल्यू कैसे रखेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे बच्चों, ये इन आठ सेल बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया इन आठ सेल बराबर बच्चों होता है दाया माइनस बाया, राइट, यही तो होता है, इन आठ सेल बराबर दाया माइनस बाया, सेल में दाया सी यू है, और इसका वैल्यू देख लीजिए क्या है, इसका वैल्यू बच्चों है 0.34 वोल्ट, माइनस बाया में क्या है, ये है एमजी में है, तो एमजी का वैल्यू रख दो -2.37 वोल्ट, राइट। अब इन्हें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.37 वोल्ट, अब इन्हें आप जोड़ लीजिए, राइट, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11 हो जाएगा, 3 × 3 = 6 = 7 हो जाएगा, यानी 2.71 वोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम इन आठ सेल के स्थान क्या रखेंगे, 2.71 वोल्ट हमने यहाँ से निकाला है, -0.059 अपान यन, दैट इज यन साफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर देखिए स्थानांतरण हो रहा है, कितने मोल्स का इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 का चेंजिंग है, प्लस 2 का अंतर है, तो यहाँ 2 रखेंगे,
राइट लॉग क्यू। अब इस चीज को हम जरा यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये क्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया लॉग क्यू का मतलब क्या होता है। देखिए एनोड बटा कैथोड, एनोड बटा बच्चों कैथोड, या ध्यान दीजिएगा या लेफ्ट यानी बायां बटे यानी राइट दायां। अच्छा लेफ्ट में बच्चों देखिए क्या लिखा है, लेफ्ट में देखिए मोलारिटी कितना गिवन है, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है, तो लेफ्ट वाला ये आएगा क्या है बच्चों 0.001, राइट में ये है इसे लिख लेते हैं अपान 0.001, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, राइट। तो चार, देखिए चार हमें चार डिजिट हमें उस साइड दशमलव भेजना है, तो एक दो तीन चार, तो एक के बाद बच्चों हम लोग कितने जीरो लेंगे, चार जीरो लेंगे, तो यहाँ एक के बाद हम कितने जीरो लेंगे, चार ऊपर ले लीजिए और बच्चों चार क्या करेंगे हम लोग नीचे ले लेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, नीचे वाला पूरा खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा, ऊपर देखिए दस बचेगा, कितना बचेगा दस, यानी दस बटा एक आएगा। तो बच्चों ये देखिए लॉग क्यू का वैल्यू कितना आ गया, दस बटा एक आ गया, राइट, कितना आ गया बच्चों दस बटा एक आ गया, कितना आ गया दस बटा एक, तो इसे हम लिखेंगे दस, दस बटा लॉग लॉग टेन अपान वन यानी बराबर लॉग टेन, तो यहाँ रख देते हैं लॉग टेन बेस टेन। अच्छा बच्चों ये बताओ लॉग टेन बेस टेन का वैल्यू कितना होता है, भाई साहब लॉग टेन, अच्छा इसे भाग दे देते हैं, 0.02 × 4 दोनों अठारह और दो पंचे दस, लॉग टेन बेस टेन वन हो जाएगा, राइट। 2.71 माइनस 0.0295, इसे जब हम माइनस करेंगे, देखिए इसे माइनस करते हैं तो बच्चों इसका जो आंसर होता है निकल के आता है 2.68 वोल्ट, राइट, ये निकल के आता है, ये है आपका आंसर। तो बच्चों अभी हमने आपको नट समीकरण पर दो न्यूमेरिकल बताया, आप इन दोनों न्यूमेरिकल से सीख सकते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम लोग नट समीकरण पर तैयारी कैसे करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, राइट।